लगता है परफॉर्मेंस अब आप टीम जीती है तो स्टैंड के बारे में बता दीजिए का फ्यूचर में बॉलर हमारे पास पहले पहले पहला क्या क्वेश्चन था फ्यूचर मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी कर देते हैं कैप्टनसी के हवाले से। मुझे लगता है कि जो भी एक्स वाई जेड बनता है उसको एक फेयर चांस दिया जाए और उसको ही बैक किया जाए, क्योंकि जो उसका मेंटल वो कैसे टीम बनाता है कैसे लड़कों को लड़ाता है उसमें शायद टाइम लग सकता है, लेकिन उसके प्रोसेस को देखना चाहिए जो भी कैप्टन हो। तो ये मुझे लगता है कि ये कैप्टनसी वाला बहुत जल्दी चीज़ें आप हम लोग ना शुरू कर देते हैं कि एक टूर्नामेंट कोई जीतेगा तो उसको कैप्टन बना दें, दूसरा जीतेगा तो उसको बना दें। मुझे नहीं लगता है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा हसनैन माशाल्लाह जिस तरह के ओबियसली हार्डवर्क पे ऑफ, क्योंकि जिस तरह का उसने इंग्लैंड में हार्डवर्क कर रहा था जो हंगर थी उसमें दोबारा प्रूव करने वाली वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट में जिस तरह जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आई है उसको बॉल दिया गया और उसने हमेशा टीम के लिए वो मुश्किल टाइम पे आउट किए हैं। तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हसनैन बॉलर है और फ्यूचर को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि जो टीम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। थैंक यू। देखिए उसके लिए तो ये वाला सवाल, पहला वाला सवाल तो मुझे लगता है सेलेक्टर के लिए पूछना चाहिए कि उनको कुछ उनकी नज़र में शायद मेरी नज़र में कुछ ऐसे प्लेयर हों जो उनको ना पसंद हो और उनकी नज़र में ऐसे प्लेयर हों जो मुझे ना पसंद हो, तो वो तो एक डिफरेंट है। इंडिविजुअल अगर मेरी बात करें तो मुझे स्टिल बहुत एज ए बॉलर स्टिल इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें ओबियसली बेहतर हो रही हैं क्योंकि मैंने लॉन्ग स्पेल नहीं किए हुए थे, तो इस टूर्नामेंट में मैंने लॉन्ग स्पेल भी किया तो जिसकी वजह से एज ए बॉलर मुझे थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी टाइम है मुझे लगता है कि उस लेवल पे आने के लिए। देखिए इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई चीज़ें फीड कर रहा था, ये इंडिविजुअल उनकी इतनी वो खुद इस माशाल्लाह जिस तरह का अली रज़ा है जो उसकी एज है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो जो उसकी सोच है वो एक बड़े इंसान वाली है और माशाल्लाह जिस तरह के उसकी बॉलिंग है मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान टीम के लिए तो डेफिनेटली वो फ्यूचर हो सकता है। अभी पूरा नहीं हुआ था सर जी फिर हूँ तो सॉरी सर माजर पूरा नहीं हुआ था। तो अली रज़ा का तो ये है कि उसको मुझे लगता है कि ख्याल अच्छे तरीके से रखना क्योंकि उसकी जो बॉडी है थोड़ा वो क्योंकि बच्चा है तो अभी जब खेलता रहेगा तो इंजरीज़ के भी चांसेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका ख्याल रखना चाहिए। और हसनैन का भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ से फीड करता था और इंडिविजुअल उसका इतना ज़्यादा हार्डवर्क था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको रिजल्ट दिया, इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फीड कर रहा। देखिए मैं वैसे पर्सनल मेरा पूछा जाए तो मैं नहीं देखता कि कितने रन्स में हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी टीम को। ऑन अ डे शायद मुझे लगता है कि कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी जिस तरह की हमने बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैंने पहले भी बात की थी कि एक्सपीरियंस साइड थी, अब एक्सपीरियंस साइड को एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं और प्लेयर्स को इंडिविजुअल भी ऐसा होता है वो दोबारा प्रूव करना पड़ता है, आप जिस स्टेज पे भी खेल रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर होते हो। तो मेरी ये कोशिश थी कि उन पर जितना ज़्यादा प्रेशर डाला जाए और उनसे गलती कराई जाए, क्योंकि जब बड़े स्टेज में आते हैं कि तो जब कोई आपको बैक टू बैक विकेट्स मिलती हैं तो फिर दोबारा से पार्टनरशिप लगाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि प्रेशर मैचेस में बैक कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। देखिए वो पहले मैच में मैंने एक्सपीरियंस थी, अभी इनएक्सपीरियंस टीम है हमारी वो तो ऐसा नहीं है कि अभी तक इनएक्सपीरियंस है, डेफिनेटली हम टूर्नामेंट जीते हैं और जो हमारे मेंटोर थे जो हमारे हेड कोचेस थे उनका मेन मकसद था डेवलपमेंट करनी है, ओबियसली टूर्नामेंट जीतना होता है, लेकिन
मेन मकसद उनका यही था कि जो यंगस्टर हैं उनको मौका मिलना चाहिए, वो डेवलप करने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए वो नुमाइंदगी करें। तो कोशिश हमारी टीम का वैसे मोटिव यही होता था कि हमने प्रोसेस पे यकीन रखना है, हमने रिज़ल्ट पे नहीं यकीन रखना, क्योंकि एज ए नेशन हम इमोशनल कौम है। जब हमें रिज़ल्ट मिलते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं, जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते तो हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तो हम जिगजैग होते रहते हैं इमोशनली। तो हमारी यही कोशिश थी कि जो हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारा प्रोसेस है, वो लेवल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिगजैग होना चाहिए। तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी थी कि वो सिंपल चीज़ें रखने की कोशिश की है, रिज़ल्ट की परवाह नहीं की। कि अभी भी आज भी हमारी ये बात हुई कि हमने रिज़ल्ट का तो सोचना ही नहीं है, कि क्योंकि रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, जो प्रोसेस है, हमारा एटीट्यूड है, हमारे हंगर है, वो हमारा पैशन है, उस पे हमने बिलीव करना है और उसको हमने दिखाना है ग्राउंड में, और रिज़ल्ट आता है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बॉल स्टेडियम काफ़ी अरसे से इग्नोर था और यहाँ पे पीसीबी ने ये फैसला किया। आप क्या समझते हैं कि इसको आइंदा भी इस तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ होने चाहिए? और ये वहाँ स्टेडियम है जो पीसीबी के हवाले नहीं है, ये जरिए इंतजामिया इस पर चला रही है, क्या समझते हैं कि इसको पीसीबी के हवाले होना चाहिए? सर, ये पीसीबी के हवाले वाला तो मुझे नहीं पता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन क्राउड की मैं बात करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, जिस तरह के प्रैक्टिस में जिस तरह का क्राउड आया था, वो तो अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह का क्राउड प्रैक्टिस में भी आता है। तो वहाँ से ही पता चल गया था कि जिस तरह का पैशन है, जिस तरह का लोगों में प्यार है अपने स्टार्स के लिए, वो देखना चाहते थे। काफ़ी अरसे से इधर टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का थ्रू आउट टूर्नामेंट क्राउड आया, मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये डिज़र्व करते हैं। शादाब, आपने एज ए वाइट बॉल कैप्टन पाकिस्तान के दो बड़ा टूर्नामेंट बैक टू बैक जीते हैं, क्या हम आने वाले डोमेस्टिक सीजन में बना इसमें रेड बॉल की टीम को लीड करता या इवन के खेलता हुआ देखते हैं? डेफिनेटली मैं रेड बॉल क्रिकेट खेलूँगा, जो मेरा मकसद है, क्योंकि अभी इस साल हमारे माशाल्लाह से 24 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि वो जितने ज़्यादा मैं मैचेस खेल सकता हूँ वो खेलूँ, और लीड का तो मुझे नहीं पता वो मुझे बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन खेल ओबियसली खेलना है, खेलना है इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। थैंक यू।